हेलो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके उन सवालों का जवाब दूंगा जिनका जवाब आपको कहीं और से नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे हमारे दर्शकों ने कमेंट किया है रिगार्डिंग कि मेंबरशिप फॉर्म किनको भरना है, किनको नहीं भरना है, यदि भरना है तो हम कैसे जानेंगे कि हमें भरना है, और अगर हम भरना चाहते हैं तो हम कहां से मेंबरशिप फॉर्म भरेंगे। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा नेम मिस मैच को लेकर भी काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि हमारा नेम मिस मैच को लेकर जो डिफिशेंसी है आखिर उसका निराकरण क्या है। इसके अलावा डेथ क्लेम के लिए भी आ रहे हैं सवाल कि डेथ क्लेम का क्या करना है, क्या ऑप्शन खुला है। साथ ही साथ क्यू शॉप वालों का भी कुछ सवाल है कि क्यू शॉप को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल हैं जिसको आज के वीडियो में हम लोग शामिल करेंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मैं तो कहूँगा कि आप इस वीडियो को यदि अभी समय नहीं है तो सेव कर लें और बाद में देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के जितने भी इन्फॉर्मेटिव खबरें होती हैं, सूचनाएं होती हैं, जानकारी होती हैं, विशेषकर सहारा से संबंधित, आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेंगी। साथ ही साथ मैं यह बोलूँगा कि आप इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ही ना देखें, क्योंकि वीडियो के में क्या होता है कि बातें करते करते बहुत सारी जानकारी दे दी जाती है, बात बोलते बोलते बताते बताते, ऐसे में यदि आप स्किप करते हैं तो बहुत सारी बातें जानकारियां छूट जाती हैं और फिर बाद में आप कमेंट करके परेशान होते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। स्क्रीन पर आप देखिए कि हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने सवाल किया है। सबसे पहले हम लोग मेंबरशिप वाले का ले लेते हैं। देखिए, जैसे लिखा मेंबरशिप नंबर इनवैलिड बता रहा है। एक और हैं जो कमेंट किए हुए हैं कि कृपया कर सही से बताएं 10,000 वालों से अधिक वालों के लिए मेंबरशिप फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है। तो दोस्तों, ये जो मेंबरशिप का जो कहानी है, ये डिफिशेंसी में जो मेंबरशिप वाला लोगों का आया है, कुछ रीज़न है, जैसे कि आपका डाटा वहाँ पर नहीं मिल रहा है, या फिर आपका सोसाइटी में डबल आपका मेंबरशिप हो गया है, या फिर कोई अन्य परेशानी है जो सहारा के ऑफिस से ही हट सकती है, आपके स्तर से वो परेशानी नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे लोगों को मेंबरशिप फॉर्म भरना है। अगर आप अपना स्टेटस चेक करें, उसको स्टेटस चेक करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम हमारे स्तर से नहीं है, उस सोसाइटी के स्तर से, मसलन जैसे कि डाटाबेस का जो नहीं है, या फिर आपका जो डबल मेंबरशिप का है, या फिर इसी प्रकार के जो बहुत सारे अन्य कारण हैं जिसका निराकरण मेंबरशिप फॉर्म भरने से हो सकता है, सहारा ऑफिस से ही हो सकता है, तो उन लोगों को मेंबरशिप फॉर्म भरना है। इसके लिए सबसे पहले आपको स्टेटस चेक करना है, स्टेटस में क्या डिफिशेंसी दिया है, उसके हिसाब से निर्णय लेना है। अब हम लोग आते हैं, सवाल करते हैं कि आखिर मेंबरशिप फॉर्म हम भरेंगे कैसे, या फिर जो शेयर फॉर्म है उसको कैसे भरेंगे। तो यह आपको रीजनल ऑफिस में अवेलेबल है मेंबरशिप फॉर्म, आप वहां से संपर्क करके कॉन्टैक्ट करके भर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अधिकांश जगहों पर ब्रांच ऑफिस बंद हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था पिनक पानी मोहंती वाला, उस आदेश के बाद से मैक्सिमम आरएम ऑफिस जो रीजनल ऑफिस होते हैं, जो कि हर राज्य में एक या दो होते हैं, वहाँ पर खोल दिया गया है। आप अपने एजेंट से संपर्क करें, या फिर जो लखनऊ का जो नंबर है, आप उस नंबर पर 11 बजे से लेकर 5 बजे के बीच कॉल करें, वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगा कि आपके एरिया का रीजनल ऑफिस क्या है। इसके अलावा बहुत सारे जगहों पर अभी सेक्टर ऑफिस भी काम कर रहा है, जोनल ऑफिस काम कर रहा है, आप वहाँ से भी संपर्क करके मेंबरशिप फॉर्म, शेयर फॉर्म भर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर किनको भरना है। दोस्तों, एक लिस्ट है जो आपको रीजनल ऑफिस में उपलब्ध कराई गई है, जो सहारा के हेड ऑफिस आई है, जिन लोगों को डिफिशेंसी का मैसेज आया है उन लोगों का उस लिस्ट में
नाम दिया गया है। आपको सबसे पहले उस लिस्ट को लेकर, यह लिस्ट आपको एजेंट के थ्रू मिल जाएगी या फिर रीजनल ऑफिस से मिल जाएगी, उस लिस्ट में आपको अपना नाम चेक करना है। यदि आपका नाम उस लिस्ट में है तो इस स्थिति में यदि आपका निवेश का राशि 10,000 रुपये से कम या ज़्यादा जो भी है, अभी चूंकि एक खबर आई थी कि 10,000 के नीचे वालों को नहीं भरना है, लेकिन ये ऑथेंटिक खबर नहीं है, वो सिर्फ एक वायरल लेटर के द्वारा बताई गई। तो इस स्थिति में यदि लिस्ट में आप अपना नाम चेक करें और लिस्ट में आपका नाम है, उस स्थिति में यदि आपका क्लेम 10,000 से नीचे भी है या फिर 10,000 से ज़्यादा है, तो आपको मेंबरशिप फॉर्म भरना है, तभी जाके आपका डिफिशेंसी दूर होगा, नहीं तो इसका कोई उपाय नहीं है। कोई आप लाख कोशिश कर लीजिए, अगर आपका उस लिस्ट में नाम आ गया है तो आपको भरना ही पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है फिलहाल के लिए। तो ये हो गया कि आपको किनको भरना है, कैसे भरना है, कहाँ से भर सकते हैं। अब एक सवाल जो आ रहा है डेथ क्लेम को लेकर, तो दोस्तों डेथ क्लेम को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग हैं बोल रहे हैं कि डेथ क्लेम का क्या हुआ, लेटेस्ट अपडेट क्या है, उनका ऑप्शन कब से खुल रहा है, क्या डेथ क्लेम वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों डेथ क्लेम वालों का जो कहानी है, अभी कोई पोर्टल पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत ही जल्द कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा और उसके बाद उसमें कुछ हो सकता है। फिलहाल तो आप पोर्टल पर डेथ क्लेम के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। एक और क्वेश्चन आ रहा, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है कि हमारा मैच्योरिटी 31 मार्च 2023 के बाद का है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फिलहाल जो पोर्टल पर व्यवस्था दी गई है, उस व्यवस्था के अनुसार से आप 31 मार्च 2023 तक जिनका मैच्योरिटी अमाउंट है, उन्हीं जिनका जो बॉन्ड है जो मैच्योर्ड हो चुका है, जिनका जो इन्वेस्टमेंट था मैच्योर्ड हो चुका है, 31 मार्च 2023 तक उनको ही पैसा रिफंड किया जाएगा। उसके बाद वालों का अगर वो अप्लाई करते भी हैं तो उसको डिफिशेंसी का मैसेज दे दिया जाएगा। तो यह समस्या बहुत लोगों को आ रही है, विशेषकर कुछ लोगों ने कहा है कि उन्हें बैंक वाली जो समस्या आई है, तो उनका भी यही रीज़न है कि उनका चूंकि मैच्योरिटी बाद का है, तो उसके चलते भी डिफिशेंसी का रीज़न लगा के उनको लौटा दिया जा रहा। तो ये केस हो गया कि मैच्योरिटी अनमैच्योर्ड है तो हमको अप्लाई करना है कि नहीं, नहीं अगर 31 मार्च के पहले का आपका मैच्योर्ड है तो ही कीजिए, उसके बाद वाले में डिफिशेंसी का मैसेज आ जा रहा है, तो ऐसे में आपका पैसा भी बर्बाद होगा। फिलहाल तो यही अपडेट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आ रहा है, क्यूशॉप का लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो क्यूशॉप का लेटेस्ट अपडेट अभी कुछ भी नहीं आया है, अभी क्यूशॉप वालों को भुगतान का कोई प्रक्रिया चालू नहीं हुआ है, आपका पोर्टल पर कोई व्यवस्था नहीं है। यह जो पोर्टल पर व्यवस्था है, ये सिर्फ 4 सोसाइटी वालों के लिए है, क्यूशॉप के भुगतान की अभी कोई अपडेटेड न्यूज़ नहीं है। इंतज़ार कीजिए कि आने वाले समय में हो सकता है कि क्यूशॉप के लिए कोई व्यवस्था हो, कोई भुगतान की कोई बात हो, लेकिन फ़िलहाल तो अभी नहीं है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ रहा है नेम मिसमैच को लेकर, कि हमारा जैसे कि एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आधार और सर्टिफिकेट में नेम मिसमैच है तो क्या अब भी एफिडेविट लगेगा। जी हां दोस्तों, एफिडेविट तो आपको लगाना ही पड़ेगा, बिना एफिडेविट का आपका नेम मिसमैच का समस्या दूर नहीं होगा। लेकिन याद कीजिए कि नेम मिसमैच में उन्हीं का समस्या दूर होगा जिनका, एक तो सबसे पहले कि एफिडेविट फॉर्म आपको 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टंप पर बनाना है, और जो फॉर्मेट सहारा के पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है उसी फॉर्मेट पे आपको अपना एफिडेविट करवाना है। यह फॉर्मेट आपको एजेंट से भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपका नाम में जो थोड़ा बहुत त्रुटि है, आप उसी को लेकर नेम मिसमैच का क्लेम कर सकते हैं। अगर नेम पूरी तरह से डिफरेंट है तो आपके क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मैं बता देता हूँ, जैसे अगर नाम में स्पेलिंग में कुछ गलती, एक दो लेटर इधर उधर है, या फिर सर नेम को लेकर कुछ समस्या है, जैसे कुमार का प्रसाद हो गया है, फिर कुमारी का देवी हो गया, इस टाइप का है, या फिर नाम के पहले श्री लग गया है, तो इस टाइप की जो छोटी मोटी समस्याएँ हैं तो ही आपका नेम मिसमैच का एफिडेविट लगाने से क्लेम एक्सेप्ट होगा। यदि पूरी तरह से टोटली राम का श्याम नाम हो गया है, पूरा नाम ही बदल गया है, तो उस स्थिति में नेम मिसमैच का एफिडेविट लगाने के बाद भी आपके क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
तो आप यह समझ सकते हैं। इसलिए आप अपना बॉन्ड और अपने आधार कार्ड को देख लें, मैच करा के देख लें कि नाम में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, कितनी समस्या है। थोड़ा बहुत अगर लेटर को लेकर है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइटल में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो उसको लेकर चलेगा, चाहे नाम के पहले श्री लगा हुआ है। लेकिन क्योंकि आधार कार्ड में श्री नहीं लगा होता है, बॉन्ड में बहुत जगह श्री लगा के बॉन्ड इशू हुआ, तो इस स्थिति में आप कर सकते हैं। लेकिन पूरा डिफरेंट नेम होने की स्थिति में आप फिलहाल आपका कोई उपाय नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, यह एक छोटा सा अपडेट था। उम्मीद करता हूँ कि यह अपडेट आपको पसंद आया होगा। अगर और कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगा सहारा के भुगतान से संबंधित, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।